तो भारती की कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज बनने वाला है बहुत कुछ, लाइक बहुत कुछ। इसको रख के आए पहले क्योंकि मैं तोड़ देती हूँ। जब भी मैं शॉर्ट्स चेक करती हूँ मेरे फीड पे वीडियो जरूर आते हैं टू इंग्रेडिएंट ओनली। सो आज हम करने वाले हैं टू इंग्रेडिएंट ओनली। सो मैं अपना फोन लेके आती हूँ और हम सब साथ में देखते हैं कि पहली डिश क्या है। चलो, सो फर्स्ट रेसिपी है टू इंग्रेडिएंट ओनली में, वो है ये फज। इसके लिए आपको चाहिए चॉकलेट और पीनट बटर और आपका ये फज तैयार हो जाएगा। लेट्स सी कि क्या हम भी बना सकते हैं या नहीं। बाय द वे, मुझे मीठा खाना नहीं पसंद है जैसे कि आप सभी को पता है, और ये पूरी वीडियो में हम सिर्फ मीठा बनाने वाले हैं क्योंकि टू इंग्रेडिएंट ओनली में सिर्फ मुझे मीठी रेसिपीज मिली है। तो चलो, इसमें मैं चॉकलेट डालने वाली हूँ। नो नीड टू बी परफेक्ट क्योंकि ये मेल्ट होगा। एंड देन हम डालने वाले हैं पीनट बटर। या हो गया, बहुत स्टिकी हो रहा है। सो इसको आपको करना होगा माइक्रोवेव, तो मैं इसको माइक्रोवेव करती हूँ। सो ये माइक्रोवेव हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तो जब तक ये मेल्ट नहीं होगा तब तक हम इसे माइक्रोवेव करेंगे। एक सिचुएशन हो गई और ये जल गया, पर हमारा बेस एकदम ठीक है और मैं अब इसको फ्रीज में रखती हूँ एंड होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो टेस्ट में। बड़ी मुश्किल से मैं ये क्यूब निकाल पाई हूँ। एक्चुअली क्यूब नहीं था, मैंने बनाया क्यूब क्योंकि वो सर्कल थी बाउल। ईट इट कि कैसा बना है। लाइट चली गई है बट इट इज व्हाट इट इज, इट्स रियली टेस्टी। इट्स क्रंची, इतना मीठा नहीं है, सॉल्टी है, क्रंची है, थोड़े चंक्स आ रहे हैं चॉकलेट के, बहुत ज्यादा यम है। मैंने बनाया ये बहुत ही ना होती है, एक चॉकलेट आती है जिसमें वो होता है प्रोटीन वाली चॉकलेट है। इट्स फज, फज फज जो भी होती है, देखने में टट्टी लग रही है। ये जब मैंने देखा था मेरे मुंह में पानी आ गया था। इट्स लुक सो यमी, बहुत ज्यादा यमी लग रहा है। इसके लिए मैं कंडेंस मिल्क लेके आई हूँ, कोको पाउडर लेके आई हूँ क्योंकि मेरे घर पे नहीं था। आई होप कि ये मैं कर पाऊँ। तो देखो मेरी हसल, हमें चाहिए कंडेंस मिल्क जिसको मैं बहुत ढूंढ के लाई हूँ, और दूसरा है कोको पाउडर। आई थिंक दिस इज इनफ, सो दिस इज इनफ। इसको मैं 30 सेकेंड माइक्रोवेव करती हूँ। मैं ऐड करना है कोको पाउडर। ओके, मैंने ये सब कुछ आज तक नहीं खाया है, तो पहली बार ऐसा लग रहा है मैं चॉकलेट बना रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। यू कैन सी द रिजल्ट कि कितना ज्यादा लिक्विड है, और मैं अब इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। जैसा उनका दिखा था वैसा ये बिल्कुल नहीं हुआ है। पैसे बर्बाद, एक्चुअली स्टिकी यार, उन्होंने बोला था अगर स्टिकी हो तो और फ्रिज में रखो। इसलिए लाइक ये भी सुबह से फ्रीज में रखा हुआ है, कितना रखो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये है हमारा, किसने कहा सोफे पे बैठ के काम करने को। यस, ऐसे हो रहा है। शिट, इतना मीठा है। जिनको मीठा और चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है प्लीज ट्राई दिस, मेरा तो ये होता है। हम बनाने वाले हैं ओरियो सुशी। यस, जितना वियर्ड ये बोलने में लग रहा है उतना वियर्ड ये मुझे देखने में भी लग रहा है। मतलब ओरियो सुशी, क्या किसी ने इमेजिन किया था कि नॉर्मल सुशी की जगह आप खाओगे स्वीट सुशी। जितना इजी ये दिखते उतने इजी होते नहीं है, ये बात सच है। तो मेरी हसल देखो मैं क्या करती हूँ। दिस वन फील सो इनलीगल टू डू इट। तो ओरियो, देखो बोल कितना बड़ा लिया, डालूंगी इसमें कितना सा ये देखना। सो ठंड में यही फायदा है कि बहुत इजीली निकल जाएगा सब कुछ। डोंट नीड एनीथिंग आई नीड माय हैंड। बाहर में जाओ उनका मेजरमेंट, हम आई होल करेंगे। एक्चुअली आई हैव टू ऐड मोर ओरियो, जो मुझे नहीं करना था मुझे वो करना पड़ेगा। इट डजंट फील गुड, आई थिंक मैंने ज्यादा डाल दिया। मैं इसको फ्रीज में डाल के देखती हूँ, मे बी ये वर्क कर जाए। यही है जो है मेरे पास, मैं इसको फ्रीजर में रखती हूँ एंड होप सो कि ये काम कर जाए। वो तो मैंने खराब कर दिया, होप सो ये आइसिंग अच्छी हो। ये क्या हो गया, इसको उन्होंने बोला है रोल करने के लिए, मेरे पास कुछ है नहीं। व्हाई माय सुशी क्रीम इज लाइक दैट। अब ये सुशी जैसी भी है मैं इसको फ्रीज में रख रही हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। ये रही हमारी सुशी, बहुत देर तक फ्रीज में रखने के बाद ऐसे हो गई है।
काट के देखती हूँ कैसी है। वैसे बहुत ठंडी है। सुशी तो ठीक है लेकिन वाइट खा गया इसके अंदर से। इसका टेस्ट देखते हैं कैसे है सुशी का। तो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी। इट्स गुड, आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट हैक देखते हैं। तो नेक्स्ट हैक है वो भी ओरियो से रिलेटेड। इस बार हम बनाने वाले हैं ओरियो आइसक्रीम। रेसिपी के लिए चाहिए हमें ओरियो मिल्क। तो इसको मुझे ऐसे क्रश करना है जैसे नितिन ने मेरे को धोखा दिया हो। मुश्किल है ऐसे। यू नीड टू कट दिस। अब हमें इसके अंदर डालना है मिल्क। जो भी हो मेरे को ये स्टिक मिली, इसको डाल देना इसमें और इसको फ्रीज करना है एंड देन हमें मिलेगी ओरियो आइसक्रीम। तो ये रही हमारी ओरियो आइसक्रीम जिसका कप इतना ठंडा हो गया। एक बात बताती हूँ, मैंने ये ओरियो आइसक्रीम बनाया था सुबह 11 बजे और अब बज रहे हैं 4। सो देख लो इसमें वीडियो को बनने में कितना टाइम लग गया। इट्स लुक नॉट क्यूट। एक हिट मैंने दोबारा पार्ट लिया। इसको ठंडा, आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा मिक्स हो गया ये। तो नेक्स्ट रेसिपी है कि आप घर पे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से डोनट्स बना सकते हो। वैसे उसमें दो से ज्यादा चाहिए पर हम सिर्फ डोनट बनाएंगे जिसके लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट चाहिए। ये डोनट्स कितने क्यूट लग रहे हैं, काश इतने क्यूट मैं भी बना पाऊं। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर सा होता है, मेरे पास बड़ी अगली सी चीजें होती है। सो लेट्स मेक इट। हाय गाइस, तो मैं हूं अपने घर पे। अब हम बनाने वाले हैं मिनी डोनट्स जिसके लिए चाहिए दो इंग्रेडिएंट। एक तो चाहिए सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो कि मुझे नहीं पता था, थोड़ा रिसर्च किया, सेल्फ रेजिंग फ्लावर होता है, मैदा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट। तो हमें ये मिक्स करके खुद बनाएंगे हम इसे। और दूसरा है योगर्ट, तो वो तो सभी के घर पे मिल जाएगा। लेट्स सी कि मैं ये बना सकती हूँ या नहीं बना सकती है। ये भी रेसिपी बस दिखने में अच्छी है, बनाने में यू नो व्हाट आई मीन। सो लेट्स गो विथ मी। मैं बहुत कम बनाना चाहती हूँ तो सिर्फ इतना ही डालूंगी। अच्छे बने तो दोबारा ट्राई करेंगे, कम में इतना ही बनाऊंगी। ये है मैडम बेकिंग पाउडर सॉल्ट। ये बन गया आपका सेल्फ रेजिंग फ्लावर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कर्ड और ये बन गया है हमारा डो जो कि इस बार एकदम परफेक्ट बना है। 30 मिनट्स तक प्लास्टिक रैप में रखना है और मैंने अपने डोनट्स निकाल लिए हैं जो कि इजीली निकल गए हैं। और ये है मेरे डोनट्स। आई नो क्यूट नहीं लग रहे हैं बट होप फॉर द बेस्ट। ये है डोनट्स जो कि बहुत क्यूट लग रहे हैं। बाय द वे मैंने इन्हें कल भी बनाया था, कल की क्लिप देख लो, कुछ ज्यादा ही क्रंची हो गए, यू कैन सी। जल गए थे कल मुझसे तो मैंने आज दोबारा बनाया और आज एकदम परफेक्ट है। सो क्यूट। तो बस वो चॉकलेट रखी हुई थी बहुत सारी। सो क्यूट, मेरा खाने का भी मन नहीं कर रहा, मेरा बस मन कर रहा मैं देखती रहूं। मैंने परफेक्ट बनाया है, आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली दो बार ट्राई करने के बाद परफेक्ट बने हैं। दिस इज लाइक अ परफेक्ट एंड फॉर दिस वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव द बिग थम्स अप। अगर आप चाहते हो मैं और रेसिपीज ट्राई करूं, मतलब अपनी कुकिंग ठीक करूं, तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड यू कैन ट्राई दिस वन। ये बहुत ही ज्यादा यम्मी है, एक आप लोगों के लिए भी बनता है।